तो पहले पंप पे लगा लेते हैं, तो पूछ लेते हैं, कहीं बोलते हैं आपके पास पाल जी में थोड़ा सा रिलीफ मिला। पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ले सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो हमारी डिलीवरी का टाइम था 9 बजे सुबह और हम पहुंच रहे हैं अभी 3:30 बज चुके हैं कैलिफोर्निया में और 6:30 बज चुके हैं टोरंटो में और हम आए हैं विलमिंगटन कैलिफोर्निया में, ये साथ में पोर्ट लगता है। हम देख रहे थे ना पानी पानी है साथ में, या वो देखा मैंने कहा पोर्ट लग रहा है यहाँ पे, ये देखो कंटेनर जा रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं, वो तो वैसे बंद हो गए हैं लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो इसलिए हमें गेड़ा मार के आना ही पड़ेगा सो दैट हम बता सके भाई हम तो गए थे लेकिन आप वहां थे नहीं और ना ही आपने रिप्लाई दिया हमें। तो फिर ये चीज कह सकती है अमल ने, फिर इसका क्या करेंगे, मतलब कल करेंगे डिलीवरी या क्या करेंगे? फिर हम जाड़ में छोड़ेंगे इसे। अच्छा, तो नेक्स्ट वीक करेगा कोई और टीम करेगी या फिर हम पहले आ जाएंगे। मतलब हिसाब किताब मालूम नहीं अभी क्या करना होगा इन्होंने। टर्न राइट ऑन फ्राइज एवेन्यू फॉर एंट्री फॉरवर्ड एंट्री हार्बर जनरेटिंग स्टेशन। ओ ये बिजली का स्टेशन है साथ में ना। हाँ। ओ सामने कितना अच्छा लग रहा है। दूर से बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं आ रहा था ना दूर से। हाँ। तब देखने वाला था ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा था दूर से। तब क्यों नहीं उठाया मुझे? मुझे था मैं ना ही उठाऊं लेकिन फिर जब मैं आया मैं कहा यार मोड़ ज्यादा है अंदर जाना है तो फिर तो मैं उठा ही लेता हूँ, चलो हेल्प हो जाएगी मुझे। यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड टू मी राइट, क्योंकि 2.5 घंटे रह गए यार तुम्हारे, तो इसलिए मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था कि तुम्हारी स्लीप पूरी हो जाए। कैसे नींद पूरी हुई है या नहीं? ऑलमोस्ट। तो सही है, सब सही है, आधा आधा करके चला लेंगे। वो देखो उधर वो कितना कंटेनर खड़े। मैं तो पहली बार आया हूँ पोर्ट साइड। या पानी पानी सारी तरफ, पोर्ट ऑफ लॉस एंजलस। ओ जी है एलए का पोर्ट। yeah. नहीं कोई और भी होगा यार यहाँ पे, थोड़ा होगा एलए एलए दूसरा कि नहीं और मुझे तो वो लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ। और भी कोई होगा पर यहाँ तो लिखा है ना पोर्ट ऑफ लॉस एंजलस। सही है, अच्छा है ना। हाँ। वो देखो कैसे कंटेनर खड़े हैं। घर जाके 4 बजे भी सोए तो ठीक है। इधरों एंटर होना आप 5 हुए तो At this gate. From this gate, we go inside. निकलना कितना है? Go straight. There is no U-turn. Shell Marine Terminal. No tractor trailer access. Good turn around. तो उधर को नहीं जाना, हमने लेफ्ट तो जा सकते हैं। ओके वो कह रहा है इधर नहीं है। तो कब का क्या देख रहे थे आप? यार इसने वो बदला दिया। किसने? इसने पहले इसने कहा वॉशरूम यूज कर लो, बंदा माइंड में आ जाता है कि हाँ भी अब मैं जाके बैठूंगा महाराजा सीट पे आराम से। बाद में उसने कह दिया कि भाई नहीं जी, तो इसलिए फिर वो सारा कितनी बड़ी फोर्कलिफ्ट है ना, वो इसी से वो उठाते कंटेनर। अभी उसने कह दिया कि अगर आपकी डिलीवरी नहीं है तो मैं आपको यूज नहीं करने दे सकता। तो वो बात है, मेरा ध्यान उधर था कि यार ये क्या बात हुई यार, ये तो गलत बात हुई ना।
वो देखो वो उठाने लगा, वो क्रेन उठाने लगी, वो कहाँ उठाएगी वो देखना, उसने वहां से उठाना कंटेनर, आया ये नीचे चली गई है, ऊपर भी आ गई है तो नहीं छोड़ा होगा मुझे लगता है उसने। तो वो कहते हैं भाई आज हम 2 बजे बंद हो गए, वो ही मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर हम वहां से 4 घंटे भी पहले निकल सकते ना हाँ। तो आज डिलीवरी हो जानी थी यार। वो जो दो बंदों ने बाद में ट्रक तो फसाया ना, उन्होंने खराबी कर दी। बट वही आज डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ट्रकिंग है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जॉब। कुछ भी सुनिश्चित नहीं है कि ये होगा ही होगा, अगर आपने ऐसा सोचा है हाँ भी ऐसा ही होगा, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वैसा हो, नहीं तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और यही है, यही तो हम आपको दिखा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं ट्रकिंग को कि भाई कैसे चलता है। और एक बात, जब हम कभी पर्सनल डालते हैं घूमने फिरने का, तो कई लोग कहते हैं यार ये क्या ट्रकिंग दिखाओ ट्रकिंग। भाई देखो वही तो ट्रकर की तो लाइफ दिखा रहे हैं हम आपको, ये ट्रकर कपल जो हम दोनों हैं, दोनों जी ट्रक चलाते हैं और कैसे लाइफ जी रहे हैं, कैसे लाइफ चल रही है, क्या क्या लाइफ में करते हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं लाइफ में, वो चीज हम दिखा रहे हैं आपको। तो ऐसे ही लिया करो दूसरे ब्लॉग्स को भी, अभी हमारा रूट सेम होता है तो कहाँ से मतलब निकालेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से भी कहीं से भी निकले ब्लॉग निकले ट्रक का। तो अभी हम साथी में है यहाँ पे हार्बर ट्रक स्टॉप, वहां पे जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है जब आप शहर में एंटर हो जाते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजेलिस और लॉन्ग बीच और कॉम्पटन और भी शहर, ये सारे शहर इकट्ठे जुड़ते हैं, तो मतलब शहर ही है सारा, तो इसमें ऐसे दिक्कत आती है, वॉशरूम वगैरह की दिक्कत आती है आपको, मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आपके वहाँ रिसीवर शिपर भी ना यूज करने दे तो फिर तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि मैं वो करके फिर गया था कहीं और यूज करने, तो वो बात है। बस इतना सा ब्रिज था वो छोटी सी कनाल सी बनाई थी इन्होंने, उसके ऊपर ही था। एप्पल ऑटो पार्ट्स, अपने फोन का डलवाना है कुछ, एप्पल ऑटो डिसमेंटलिंग ये वो वाले थोड़ा है, वो एप्पल थोड़ा पागल पता है यहाँ से थोड़ा पता चल रहा है, अच्छा व्यू है यहाँ से। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे बेचने के लिए तो नहीं लग रही मुझे, बोर्ड पे काम करते होंगे ना सारे। हाँ आई हैं गाड़ियाँ जानी है, वो देखो ट्रक लगे हुए हैं लोड कर रहे हैं गाड़ियों को। हरा मैं भी सोचू इतनी दूर दूर गाड़ियाँ लगा के जाते हैं लोग, वो ट्रक खड़ा है एक लोड हो रहा है की अनलोडिंग कर रहा है वो। ये तो बड़ी छोटी सी गली है, वो भी तो जा ही रहा है। हाँ जा तो वो भी रहा है जी। बस ट्रक रूट का साइन देखते रहो, कहीं पे नो ट्रक रूट ना लिखा हो, बाकी सेट है। नहीं अभी तो ये भी दिखाने लग गया है, दिखा रहा है। अच्छा तो पहले ही कितना घूम घाम के लेके आ रहा था। कैट स्किल भी आपके पास है? हाँ हाँ है, पूछा मैंने कैसा एरिया है ना पाली है? और पहले मुझे नहीं लगता ऐसे एरिया में कभी आए हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे जगह मिल जाएगी। मुझे नहीं लग रहा जितना यहाँ पे लोगो कहाँ तक ट्रैफिक लगी है, फिर उनकी लाइटें हुई होगी। ये मोटल में ना हुए
जाने देता है। हाँ हाँ, बंदा इसे कहे पहले हम वॉशरूम देखेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे। हाँ, 5-10 मिनट बाद ठीक ठाक है, सोच के बताते हैं। तो देखा, आप देख रहे हो ना स्ट्रगल वॉशरूम यूज करने की, क्या क्या। चलो चलो घुमा दो घुमा दो घुमा दो। नहीं दिख रहा, नहीं दिख तो रहा है वैसे, वो भी हुआ है। ये रही फीड का व्हीकल मुड़ रहा है, ये रही ये रही एंट्री है, स्केल भी लिखा है, यहीं से होगी। सर्टिफाइड स्केल एंट्रेंस, ये तो स्केल की एंट्रेंस है। तो पंप भी इधर ही होंगे, देखो जरा ध्यान से है ना वो, देखो सीधे निकल जाना है हमने, फिर हमें वापस मुड़ने की जरूरत नहीं है आगे वाली सड़क पे। वो कहाँ पे है, क्या वॉशरूम दिखने इसके लिए आए हैं हम। चलो पहले पंप पे लगा लेते हैं, उनको पूछ लेते हैं कोई वॉशरूम है आपके पास कि नहीं। चलो घुमा दो। आई थिंक ठीक है, मुड़ जाएगा उधर को, थोड़ा खींच लो है ना, थोड़ा है काफी जगह, नहीं है आगे नहीं है, यहाँ पे तो है। हाँ पहले वाले में यहीं पे यहीं पे यहीं पे लगा लो। पता नहीं, ये बस सिटी वालों के लिए, देखो सारे कंटेनर खड़े हैं। हाँ 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 हाँ, दिख रहे दिख रहे। चलो 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 चलो, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह। तो पंप देखो कैसा है, मतलब ना पूरा टाइट है, एक ये पंप है एक वो पीछे पंप है, और आगे से जहाँ से हमने निकलना है बस यही जगह है। लाइक दिस, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरिया है, छोटा सा, और ये बस एक बिल्डिंग है, वॉशरूम की चाबी इनसे लेनी पड़ती है, और अंदर बस एक बंदा बैठा है। जैसे ये इन्होंने विंडो बनाई हुई है ना, बस यहाँ से आओ अपना चीज लो और जाओ। बट एक बात मुझे इनकी अच्छी लगी कि जैसे हमने तेल भी नहीं डलवाया ना अभी, और फिर भी इन्होंने ऐसे चाबी दे दी। ने तो कही होते ना कि नहीं पहले तेल डलवाओ, आप हमारे कस्टमर हो पहले कुछ खरीदो, तो ऐसा नहीं है, अच्छा था उसने चाबी दे दी। हार्बर ट्रक स्टॉप पे आए हैं हम। पाल जी को थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से, और ये क्योंकि हमारी डिलीवरी नहीं हो पाई तो ये ट्रक जाएगा, सॉरी ट्रेलर जाएगा अभी कंटेनर यार्ड में। तो अभी फोन पे नहीं मैंने डाला कुछ भी, वहां नहीं उधर रहने ही दो, मैं कहती टाइट लग रहा है काम। ये सही है इधर को, हाँ इधर को तो निकलते देखे हैं मैंने ट्रक, ये सही है, इधर ही निकाल लो पाल जी, पीछे ध्यान से। हाँ क्योंकि लेफ्ट तो बज भी जाती है, लेकिन निकल गया पीछे। हाँ हाँ, राइट मारनी डिफिकल्ट होती है। हाँ क्या बनाया इन्होंने, देख लो क्या, और इतनी सी जगह से पैसा कमाई जा रहे हैं, कर लो बात। वो भी सभी डीजल डलवा रहे हैं, पूरा घूम रहा है। हाँ 20 की स्पीड है। जो नए ड्राइवर है ना, जब ऐसा होता ना कहीं भी, तो जितनी स्पीड लिखी है उससे 5 कम ही रखो आप, पीछे जाम लगता है तो लगने दो, आप पूरा सेफ होके उतरो। हमने भी आगे जाम में खड़े होना है जाके। वो देखो जरा, अभी हम है 710 हाईवे पे, ये है लॉन्ग बीच वाला हाईवे, 710 नॉर्थ। इस टाइम पे तो बहुत रश मिलने वाला, कितना टाइम हो गया, 12 के 2 बज गए, 4:30 हो गए हैं मैडम जी, 4:30 हो गए हैं। अच्छा मुझे लगा वो ही अंधेरा हो जाएगा जब तक हमने फोनटेना पहुंचना है। yeah. तो अभी हम ऐसा जा रहे हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहे हैं, है तो ये सारा 90 किलोमीटर। हाँ. लेकिन पिछली बार मुझे इस 90 किलोमीटर को 4 घंटे लग गए थे, जबकि ये 1 घंटे का रास्ता भी नहीं है। तो आज देखो कितने लगते हैं, जबकि ट्रक जो स्कंक मरा था यार, स्मेल कितनी आई स्कंक की, शिट शिट। तो जो गूगल जीपीएस है वो तो 2 घंटे 12 मिनट दिखा रहा है,
अब आगे देखो क्या होता है। तो ये टाइम ही ऐसा है कि सभी कोई काम से घर जा रहे हैं, काम से जा रहा है, ज्यादातर तो घर ही जा रहे हैं सारे। चलो भाई चढ़ गए हट्टे और अब हम जाएंगे सोने। सोने जाना है? आप जाएं सोने। अच्छा मैं जाऊँ सोने, ठीक है। 2 घंटे पड़े हैं, सो लो आप। ओके जी, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, मैं वापस आ गई 2 घंटे बाद। और हमने कहा था ना कि टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है, तो ट्रैफिक आप देख सकते हो। और अभी भी हमारा कितना पड़ा है, 20 किलोमीटर पड़ा है। पर जो उस दिन ट्रैफिक मिली थी ना मुझे, हाँ, ओहो, उसने तो मेरे हाथ खड़े करा दिए। मेरा मन कर रहा था कि मैं साइड पे लगा के सो जाऊं, नहीं जाना ही नहीं है। तो आप पहले आप चले जाओ, सारे मैं रात को जाऊंगा। लेकिन आज फिर भी ठीक था, चल रहा था, ठीक रह गया। वो आपके पास 2 घंटे थे स्टिल, हाँ। सही टाइम पे पहुंच रहे हैं। मतलब जिसे 1 घंटा लगता है उसे 2 घंटे प्लस लग रहे हैं। हाँ। ये प्रॉब्लम है। तो एनीवेज देखो आप कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे। आई थिंक आज फिर भी ठीक लग रही है ट्रैफिक की, नहीं तो इस टाइम पे तो बहुत होती है। हाँ वही, अभी ठीक लग रही है। ट्रक चल रहा है 30-40 पे चल रहा है। उस दिन तो मुझे मालूम है मैं कैसे पहुंचाऊं। मेरा मैं कह रहा हूँ मेरा इतू सा भी दिल नहीं कर रहा था चलाने को उस दिन, बट एनीवेज